हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर। तो आज हम पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम 17 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो हम आज इसके जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले हम इस पर एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। 3 सेकंड में आप उसका आंसर सोच सकते हैं या फिर उसका आंसर चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? फ्रेंड्स, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो पार्टी शुरू की गई थी उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो 3 नारे दिए गए थे वो भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो उनमें पहला नारा था जय हिंद, अगला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और नेक्स्ट था हमारा दिल्ली चलो। तो आप इसे याद रखें, इन नारों से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनका भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। दोस्तों, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। फ्रेंड्स, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। तो आप इसका ध्यान रखें, अगर एग्जाम में मनुष्य के हृदय में कक्ष पूछे जाते हैं तो आप 4 टिक करके आएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन 189 हैं तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? दोस्तों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। तो ये कितना दिया गया है? 298। दोस्तों, और न्यूट्रॉन का मान कितना दिया गया है? 189। फ्रेंड्स, जब हम इसमें से घटाएंगे इस वाली इक्वेशन में से, तो इसमें हमारी प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 109। और यही क्या होता है हमारा? परमाणु संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 109। तो यही इसकी क्या है? परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेन गैस का प्रतीक है। दोस्तों, इससे पहले आपको मैं एथेन गैस का प्रतीक बताऊं तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा। सबसे पहला आता है हमारा एल्केन, जिसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दोस्तों, उसके बाद आता है एल्कीन, तो CnH2n। उसके बाद आता है दोस्तों एल्काइन, तो CnH2n-2। ये एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से सारे दोस्तों ये नाम निकलते हैं। तो इसमें ऐथ वाला 2 कार्बन के लिए होता है। फ्रेंड, जब हम 2 कार्बन के लिए वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? C2H6। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, लेंस को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं हो सकता? मिट्टी का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फाइल बनाने में आसानी होती है? दोस्तों, ये कौन सा गुण होता है? अधात भर्दीनता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम मेलेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें ये होता है, धातुओं को शीट के में ढाला जा सकता है, आप इसका भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी? दोस्तों, इसमें हमें ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा के लिए W/T, यानी किया गया कार्य को हम समय से भाग कर देंगे तो हमें ऊर्जा मिल जाएगी।
दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1000 से हम 2 को भाग करेंगे तो ये 500 वाट आ जाएगा, यानी कि पावर इसमें पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बार पॉली उमरीकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 बार पॉली उमरीकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? विराट कोहली ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है? 18वां। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 18वां। दोस्तों इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये सब तत्व पाए जाते हैं, इसका आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की वैद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। दोस्तों धातुओं का प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सबसे पहले Hg यानी कि पारा, फिर निकिल, फिर उसके बाद W, फिर Ag। तो ये क्रम इसका किसका है? ये वैद्युत प्रतिरोधकता का। दोस्तों अगर वैद्युत चालकता का पूछा जाता तो ये क्रम हमारा उल्टा हो जाता, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन में कक्षाएं होती हैं। दोस्तों किसी भी तत्व की कक्षा पता करना हो, अगर आपको पता है वो कौन से आवर्त का तत्व है यानी कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कितनी कक्षाएं होंगी। दोस्तों ये सारे ही तत्व हमारे कौन से आवर्त के हैं? चौथे के। तो इसमें दोस्तों कितनी कक्षाएं होंगी? 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कर नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ज़ीनॉन। फ्रेंड्स कोई भी परमाणु के अंदर नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन परमाणु की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि ये तीनों तत्व तो परमाणु के और परमाणु कण हैं। तो उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। दोस्तों किसी परमाणु में के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें उपस्थित होते हैं? नाभिक में। दोस्तों ये एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? नाभिकीय बल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक का आरोही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले बर्फ आएगा, उसके बाद कैरोसिन, उससे थोड़ा अधिक बेंजीन और सबसे अधिक सेंधा नमक, यानी कि सबसे अधिक इसका अपवर्तन सूचकांक होगा सेंधा नमक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है। कितना होता है दोस्तों? ये 4.6 से लेकर 6 तक। और दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? दोस्तों कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है?
सेक्लेरे ने काइमा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष। फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। अगर दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 30 वर्ष टिक कर सकते हैं। इसके बारे में एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखें दोस्तों, हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? दोस्तों, ये कौन से वायसराय थे? लॉर्ड इरविन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का भार पर सर्वाधिक होता है? दोस्तों, किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है? दोस्तों, मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है? स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? दोस्तों, रक्त में शर्करा का स्तर किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय। तो इसमें कौन कौन सी कोशिका पाई जाती हैं? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE कब स्थापित किया गया था? 1875 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों, राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, एक पूछा जाता है पाक खाड़ी। तो दोस्तों, पाक खाड़ी किन दो देशों के बीच है? तो आप इसका ध्यान रखें, श्रीलंका और भारत के बीच। तो आप इसका पाक के नाम से पाकिस्तान को ना समझें, तो आप इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के द्रव्य के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा? दोस्तों, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर हमारा होता है MGH। तो यहाँ सामान का मास दिया गया 20 किलोग्राम और जमीन कितनी? 2 मीटर, और जी का मान हम 10 यहाँ यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 400 जूल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 400 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये कथन है। दोस्तों ये कथन किसका है? जड़त्व के नियम का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जड़त्व के नियम को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम। दोस्तों जड़त्व होता क्या है? किसी भी पदार्थ यानी किसी भी वस्तु का वो गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कोई भी चीज़ जिस हाल में है उस हाल में ही रहना चाहती है, यानी कि अगर वो चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहेगी और अगर वो रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहेगी। तो इसी से हमारा न्यूटन का पहला नियम निकलता है। तो न्यूटन का नियम का पहला क्या था? कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, अगर यानी कि वो चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। दोस्तों चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 6 गुना, यानी कि चंद्रमा का भार 1/6 कम होता है। दोस्तों पृथ्वी पर जो जी का मान होता है और चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा? G/6। तो इसी वजह से भार में 1/6 की कमी होती है। तो आप इसका ध्यान रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए के घोल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया गया जाता है? बेकिंग सोडे का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बेकिंग सोडे को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप इसका ध्यान रखें, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसे लेकर भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दोस्तों इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगर इस आपको एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 17 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है आपको अपने एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, क्योंकि दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, ऐसा ही नहीं है कि मैंने कहीं से ये क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।